हम खबरें दिखाएंगे। सागर की शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में पदस्थ पूर्व प्राचार्य के कारनामे उनके कॉलेज से रवानगी के बाद भी सुर्खियों में बने हैं, जहां किस कदर अपने पद का दुरुपयोग कर यहां पदस्थ रहते हुए अपनी मनमानी चला रहे थे। इसकी वानगी का अंदाज महज इस बात से ही लगाया जा सकता है कि कॉलेज की संपत्ति को इन्होंने अपनी निजी संपत्ति समझ रखा था और बिना कोई प्रशासनिक अनुमति वह अपने पद के रसूख का बेजा इस्तेमाल कर कॉलेज के लिए मिले सामान को अपने घर ले जाकर उनका उपयोग आलीशान सुविधाओं का लाभ उठा ठाट वाट से रह रहे थे। वैसे तो पूर्व प्राचार्य बीडी अहरवाल के कार्य प्रणाली को लेकर यहां पदस्थ ज्यादा लोग परेशान रहते थे, पर उनके रसूख के कारण वह मामले में ज्यादा कुछ कहने से बचते थे। पर जैसे ही कॉलेज की कमांड डॉक्टर एला अरुण को मिली तो सेवा देने वालों में पूर्व प्राचार्य से छुटकारा मिलने पर खुशी की लहर छा गई। पर शासकीय सुविधाओं का लाभ उठा ठाट वाट के आदि हो चुके पूर्व प्राचार्य को अपना पद जाना इतना नागावारा गुजरा कि वह कोर्ट चले गए और अपने पद से रिलीव होने से बचते नजर आए। जहां बीते कुछ दिनों पूर्व डॉक्टर एला अरुण ने यहां के प्राचार्य का पद भार ग्रहण कर लिया है। इस मामले में जब उन्हें पूर्व प्राचार्य के द्वारा कॉलेज की संपत्ति में शामिल सामान के उनके निवास पर होने की जानकारी लगी तो उन्होंने विभाग के आला अधिकारी को इससे अवगत कराया, जिसके बाद आज उनके निवास में मौजूद सामान वापस कॉलेज लौटाया गया है, जिसमें एसी अभी गायब मिला है। इस मामले में हालांकि खुलकर कॉलेज प्रशासन भी कुछ कहने से बचता नजर आ रहा, पर जिस तरह लॉकडाउन का फायदा उठा कॉलेज की संपत्ति का निजी उपयोग किया गया वह पूरे मामले में सवालिया निशान जरूर लगा रहा है। नाम है आपका? नारायण सिंह। ये सामान जो शासकीय सामान था ये कौन लेके गया था और फिर क्यों वापस लेके आया? लॉकडाउन के समय प्रिंसिपल निवास पर कार करने की शासकीय कार के लिए गया था। कौन थी प्रिंसिपल? गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल। क्या नाम था उनका? डॉक्टर वी डी अहरवाल। तो उनने ये जो शासकीय सामान है ये अपने घर में ले गए और यूज़ कर रहे थे? शासकीय कार यूज करते होंगे ही। तो अभी और भी सामान आ रहा है उनके घर से? अब नहीं है, कुछ नहीं। जैसे कि यहाँ पर जानकारी आई है कि जो शासकीय सामान जो बच्चों के लिए आता है जो यहाँ के प्रिंसिपल थे वो घर लेके चले गए थे, तो आज आप लोगों ने वापस मंगवाया है जी। ट्रांसफर होने के उपरांत? इनका ट्रांसफर कब हो गया था? इनका ट्रांसफर हुआ था 7 जुलाई में हुआ था। 7 जुलाई से आज आप लोगों ने सामान मंगवाया उनसे? वो कोर्ट उठ चले गए थे एसटी के चक्कर में, इसलिए जब क्लियर हो गया दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया उनका बंडा कॉलेज सामान ले आए। तो अभी उनके पास और भी सामान रखा है शासकीय? अब कोई सामान नहीं है, जिस सामग्री थी ले आए। एसी कहाँ है? एसी उन्हीं के लिए दे दिया? नहीं नहीं, मिस्त्री ना होने के कारण निकालने के लिए, इसलिए ये इसी सामग्री थी उनके यहाँ। मैडम क्या नाम है आपका? डॉक्टर इलाती। ये अपने डिग्री कॉलेज की कुछ चीज़ हैं शासकीय होने के बावजूद भी यहाँ के जो पहले प्रिंसिपल रहे वो घर ले गए थे, क्या मामला है, वहाँ से क्यों वापस आया है? एक्चुअली उनका ट्रांसफ़र हो गया है तो वह अभी ये सारी चीज़ें वापस कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय उन्होंने अपना कार्यालय अपने घर पर स्थापित किया था वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से, अतः वो उन्हें एक कार्यालय इन चीज़ें लेके गए थे। जैसे कि देखने में आया है एसी भी वो ले गए थे, बैटरी वगैरह भी लेके गए थे, और उनका जून के पहले ट्रांसफ़र हो चुका था और इतने समय से वो अपना यूज़ कर रहे थे घर पर। जून में नहीं, उनका ट्रांसफ़र तो अभी हुआ है, मतलब 10 तारीख को 9 तारीख को लिस्ट आई है उसमें 9 अगस्त। तो इन पर क्या कार्रवाई बनती है? कार्यवाही की तो कोई बात नहीं, उनका ट्रांसफ़र हो गया तो वो वापस सामान किया है। हम खबरें दिखाएंगे।